आमतौर पर ऐसे इंट्रोज नहीं करता, लेकिन मैं इस समय सैकड़ों फीट नीचे एक गुफा में उतर रहा हूँ जो पृथ्वी में 5 किलोमीटर से ज्यादा गहरी है। चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो, जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन को छुएंगे, हम यहाँ फंसे रहेंगे अगले 7 दिनों तक। मैंने शायद कभी कुछ इतना खतरनाक नहीं किया होगा। सबसे पहली चीज, हमें वहाँ से दूर जाना होगा जहाँ से हम नीचे आए थे। क्यों? अगर तूफान आया तो ये जगह बाढ़ की चपेट में आ सकती है, समुद्र की तरह भर सकती है और हमें डुबो भी सकती है। इसीलिए हम बेस कैंप गुफा में आगे लगाने वाले हैं। ये काफी अजीब है। यहाँ की दुनिया तो अलग है दोस्त। इस गुफा की एंट्रेंस भले ही सुंदर है, लेकिन दिखावट पर नहीं जाना चाहिए। हम सब ये जानते नहीं थे, लेकिन अगले 7 दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय होने वाला था। ये बहुत बुरा आइडिया था। ठीक है, कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा और अगर हमारे पास कैंप नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं पता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हम कैंप के लिए फ्लैट जमीन ढूंढ रहे हैं। गुफा के अंदर आने पर हमें अचानक आने वाली बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई पर एक जगह मिली, जिसका मतलब है कि ये हमारे कैंप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट गलत शब्द होगा, मैं इसे ठीक जगह कहूँ। कैंप के लिए अच्छा है। हमने पहले दिन का बाकी समय अपनी सप्लाईज को जुटाने में लगा दिया। इनमें हर बैग का वजन 36 किलो है और जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, हमने लगभग 4 घंटे बिताए। इसे पार करना बहुत मुश्किल है। गो! हम ये सब हमारे बेस कैंप तक ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ कुछ लाइटें जला रखी हैं। हमारे सप्लाईज फाइनली हमारे बेस कैंप तक आ गए और अगर तुम कैमरा उधर घुमाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ कितना अंधेरा है। इसमें पूरा दिन लग गया और इसीलिए हमने कैंपिंग के लिए कम से कम तैयारी की है। हमने कुछ रस्सियां लटकाने के लिए होल्स किए। इन्हें पकड़ो, खुद को ऊपर खींचो। लगता है ये बिस्तर को संभालने के लिए सही होगी। और हमारे सर्वाइवल गाइड जोल की मदद से हमने बिस्तर लटका दिए। ये पतली सी रस्सी मेरे बिस्तर को संभालेगी। रात का खाना खाया और जोरदार ठंड के लिए तैयार हो गए। सच कहूं तो मैंने जितना सोचा था, ये बिस्तर उससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। ये गुफा 2.5 किलोमीटर गहरी है और हम अभी इसके एंट्रेंस पर ही कैंपिंग कर रहे हैं। कल हमें काफी कुछ एक्सप्लोर